नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरीश बिरादर। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, गुलबर्गा कर्नाटक में प्रैक्टिस करता हूँ। सो आज हम बात करेंगे गायनेकोमास्टिया की, जो हम टेक्निक करते हैं उसका वीडियो के साथ डिटेल में बात करेंगे। सो, जो टेक्निक करते हैं उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फैट फ्लैप टेक्निक, जो स्कारलेस है, जो पेनलेस है और रैपिड रिकवरी है। तो ये इसमें टेक्निक में क्या करते हैं, हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेने से पहले उसको एक मार्किंग होता है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो इस तरह एक मिडलाइन मार्किंग होता है और ऐसे हम पूरे ग्लैंड को मार्किंग करते हैं, अपर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड को मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद हम उनको ओटी के अंदर लिटा देते हैं और जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद हम मार्किंग्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। स्टॉप में हम ट्यूमेसेंट बोल के इन्फिल्ट्रेट करते हैं। ट्यूमेसेंट इन्फिल्ट्रेट होने के बाद हम एक लाइपोसेक्शन बोल के करते हैं, जहाँ पे ये हम ट्यूमेसेंट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, एक छोटा सा चीरा लगा है उसी के थ्रू हम ट्यूमेसेंट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एनलार्ज हो रहा है, ये ट्यूमेसेंट इन्फिल्ट्रेट, जहाँ पे उसके अंदर नॉर्मल रिंगर लैक्टेट रहेगा, एड्रेनालिन रहेगा और कुछ लोगों में हम हाइलेज बोल के डालते हैं। ये लाइपोसेक्शन करने का ये है। और उसके बाद हम लाइपोसेक्शन कर रहे हैं, ये आप जगह देख सकते हैं, लाइपोसेक्शन कर रहे हैं, कैनुलास पास करके जितना भी एक्स्ट्रा फैट रहेगा वो हम एक लाइपोसेक्शन कैनुला के थ्रू हम निकाल रहे हैं। लाइपोसेक्शन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, एक ट्रेनिंग पीरियड है जो हम सीखते हैं, उसके बाद लाइपोसेक्शन को हम अच्छे से कर सकते हैं। तो एक बार लाइपोसेक्शन एडिक्वेटली हो गया तो हम एक चीरा डालते हैं, कट करते हैं 3 o'clock टू 9 o'clock पोजीशन पे, निप्पल के एज पे कट रहेगा। और कट करने के बाद ये पीछे की जगह ग्लैंड को, नीचे की जगह, आगे की जगह, हर जगह ग्लैंड को हम डिसेक करते हैं। ये ऊपर की जगह हम अटैचमेंट रखते हैं, उसको ही हम फ्लैप टेक्निक बोलते हैं, जहाँ से उनका खून का संचार आता है। और ये जो डिसेक्शन करने के बाद हम एक एक्स्ट्रा ग्लैंड को बाहर लेके आए हैं, ये हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ ब्रेस्ट है। तो निकालने के बाद ये लोअर बॉर्डर ऑफ द ब्रेस्ट है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये हम एक्स्ट्रा जितना भी ग्लैंड है वो हमें उसको कट कर देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम उसको कट कर रहे हैं। ये जो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लैंड है ये नॉर्मल थिकनेस, यहाँ पे जो अपर एब्डोमिन है या क्लाविकल के बोन के नीचे जितना हमें ग्लैंड रखना चाहिए उतना हम ग्लैंड रख देते हैं, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा ग्लैंड है वो हम उसको निकाल दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी एक्स्ट्रा ग्लैंड है वो हम निकाल रहे हैं। तो ये होने के बाद ये हम उसको अंदर की जगह स्टिच कर देते हैं, अंदर की जगह, आजू बाजू की जगह जहाँ पर भी हमने कट किया है वो स्टिच कर देते हैं। स्टिच करने के बाद ये जो इंसिजन रहेगा उसको भी हम स्टिच कर देते हैं। बाल से भी पतला वाला टाका रहेगा, पिघलने वाला टाका रहेगा, वो अपने आप पिघल जाएगा। आप यहाँ पे भी देख भी सकते हैं कि एब्सोल्युटली मार्क कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद ये 48 आवर्स के बाद हम ऑफिस को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उनको एक बार ड्रेसिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट वो खुद अपना रिजल्ट देख के बोलते हैं वाओ कितना अच्छा है हमारा, जितना उनका ड्रीम बॉडी था वो दिखना शुरू हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं सेम पेशेंट जिसको हमने ऑपरेट किया वो 3 महीने के बाद ये ऐसे रिज़ल्ट है। ये हमारा ऑपरेशन से पहले का इमेजेस है, ऑपरेशन के बाद का इमेजेस है। तो ये सब बाकी पेशेंट्स के रिजल्ट्स है। एक ग्रेड 2 है, एक ग्रेड 3 है, ऑलमोस्ट फीमेल की तरह ब्रेस्ट है, वो सर्जरी करने के बाद वो पूरा सब निकल गया है, ये कॉन्फिडेंटली ये घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। ये ग्रेड 1 है जो पफी निपल बोलते हैं, ये ग्रेड 2 है, ये रिज़ल्ट उसका, ये ग्रेड 2 दूसरा पेशेंट है उसका रिज़ल्ट है, ये ग्रेड 3 है उसका रिज़ल्ट है, ये ग्रेड 3 है वो सर्जरी होने के बाद का रिज़ल्ट है। सो गायनेकोमास्टिया एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री सर्जरी है, बहुत सारे लोगों का लाइफ बदल गया है, एक वेरी सेफ सर्जरी है, बहुत नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं, डे केयर प्रोसीजर है, एब्सोल्युटली पेनलेस और स्कारलेस टेक्निक है। आपको और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप हमारे ऑफिस नंबर 9077117444 पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। धन्यवाद।